नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A74 5G वर्सेस Samsung Galaxy M31 Prime का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A74 5G में 6.41 इंच जबकि M31 Prime में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि A74 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो A74 5G में 2.94 इंच जबकि M31 Prime में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो A74 5G में 0.33 इंच जबकि M31 Prime में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A74 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A74 5G में 188 ग्राम्स जबकि M31 Prime में 191 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A74 5G में IPS LCD जबकि M31 Prime में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A74 5G में 20:9 जबकि M31 Prime में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A74 5G में 6.5 इंचेस जबकि M31 Prime में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A74 5G में 1080x2400 और M31 Prime में 1080x2340 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A74 5G में 83.83% जबकि M31 Prime में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A74 5G में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि M31 Prime में 403 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A74 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और M31 Prime की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A74 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M31 Prime की बात करें तो उसमें 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A74 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और M31 Prime में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A74 5G में Adreno 619 जबकि M31 Prime में Mali-G 72MP3 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A74 5G में Qualcomm Snapdragon 480 और M31 Prime में Samsung Exynos 9 Octa 9611 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 6GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A74 5G में अप टू 256GB जबकि M31 Prime में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A74 5G में Android V11 जबकि M31 Prime में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी A74 5G में 5000mAh जबकि M31 Prime में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A74 5G में 2 कलर्स जबकि M31 Prime में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A74 5G 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें M31 Prime की तो वो 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो ओप्पो A74 5G में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी M31 Prime की तो उसमें 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में M31 Prime आगे है, मेन कैमरा में M31 Prime आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में A74 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A52 है, दूसरा शाओमी पोको M2 Pro है, तीसरा शाओमी रेडमी 9 Prime है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी पोको X3 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।